नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कल एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की होगी रैली। जहां एक तरफ कल से बिहार विधानसभा चुनाव की किस्मत के फैसले की शुरुआत हो जाएगी, वहीं पहले चरण के चुनाव के दौरान ही दो दिग्गज पार्टी के वरिष्ठ स्टार प्रचारक अपनी जनसभा का संबोधन करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कल फिर से जनसभा का संबोधन करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार कल कांग्रेस नेता वाल्मीकि नगर समेत अन्य 9 विधानसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर बाद वो कुशेश्वर स्थान में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की 3 जनसभाओं का आयोजन होना है, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना के वेटनरी ग्राउंड का नाम शामिल है। तेजस्वी सूर्या ने चिराग पासवान के बहुत आगे जाने की कही बात। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत कल से होने वाली है। वहीं आरा में एनडीए प्रत्याशी के चुनावी प्रचार में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चिराग मेरे खास दोस्त है, वो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है और वही रहेंगे। चिराग की तारीफ में तेजस्वी सूर्या ने आगे कहा कि वो बिहार की समस्याओं को हमेशा बेबाकी के साथ संसद में उठाते आए हैं। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए सूर्या ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में 1.5 गुना ज्यादा हमारी सरकार ने नौकरी दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव पर सूर्या ने कहा कि अनाप शनाप बोलना है तो कुछ भी बोलिए। आज तेजस्वी करेंगे नौकरी संवाद। कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का फैसला पेटी में बंद होने वाला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज शाम को युवाओं के साथ नौकरी संवाद करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि युवाओं का मन टटोलने के लिए पहले चरण के मतदान से ठीक पहले तेजस्वी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें, कल शाम ही पहले चरण के खातिर वोट के लिए चुनाव प्रचार थम गए थे। वहीं मतदान बूथों के 100 मीटर परिधि में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने के बाद 10 लाख युवा रोजगारों को नौकरी देने का वादा किया है। वहीं राजद घोषणा पत्र में भी रोजगार देने को मुख्य मुद्दा बनाते हुए चुनावी मैदान में उतरी है। पार्टी का मानना है कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और सरकार बनने पर सबसे पहले बेरोजगारी की परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज बिहारी मोर्चे स्पेशल में हम बात करेंगे अशोक कुमार की। अशोक कुमार का जन्म आज ही के दिन साल 1954 को हुआ था। डॉक्टर अशोक कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। वे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं और विधानसभा के सदस्य भी हैं, जहां वो रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 6 बार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। डॉक्टर कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में MBBS भी किया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। बिहार में कोरोना की रफ्तार में गिरावट देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में प्रभावितों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से भारत में 1000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना ट्वीट जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारत में संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी गई है। बिहार में भी बीते दिन प्रभावितों से ज्यादा स्वस्थ मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद उन्होंने बताया है कि कुल मिलाकर 1087 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद बिहार में ठीक होने वालों की संख्या 2,02,007 पर पहुंच गई है। वहीं रिकवरी दर बीते दिन 94.97% दर्ज की गई है। चिराग की पार्टी की तरफ से अभिनेत्री के रोड शो को पुलिस ने रोका। बीच में बिहार में पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया कल आयोजित करवाई जाएगी। वहीं चुनाव प्रचार की सभी तरह की प्रक्रियाओं को बीते दिन ही रोक दिया गया। इसी दौरान बीते दिन ओबारा विधानसभा क्षेत्र में लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के समर्थन में रोड शो करने दाऊदनगर पहुंची फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को प्रशासन ने मौलाबाद में ही रुकवा दिया था। फिल्म अभिनेत्री ओबारा से रोड शो कर वापस लौटने के क्रम में दाऊदनगर बाजार में रोड शो करने जा रही थी, जहां उनके साथ लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को भी देखा गया था। मिली जानकारी के अनुसार अमीषा पटेल के काफिले को रोकने का मुख्य कारण चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित किया गया समय था। स्थानीय प्रशासन की माने तो आयोग की तरफ से सिर्फ 4 बजे तक प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से पूछे 11 सवाल। कल मतदान के साथ साथ प्रधानमंत्री की जनसभाओं का आयोजन भी करवाया जाना है। हालांकि प्रधानमंत्री की रैली से पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से ही सवाल पूछे हैं, जिसके तहत बीते दिन प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तेजस्वी ने 11 सवाल अपने फेसबुक से साझा किए, जिसके तहत उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री बताए कि दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुई, लेकिन चुनाव से पहले ही उसके कार्यारंभ की घोषणा क्यों की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषी के घर मुख्यमंत्री के जाने के मुद्दे पर बोलेंगे या नहीं। इसके साथ ही दरभंगा और मुजफ्फरपुर में डबल इंजन सरकार की तरफ से
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का दावा किया गया था, उसका क्या हुआ। इसके साथ ही उन्होंने पटना में जलजमाव के दौरान उपमुख्यमंत्री जी के भाग जाने पर भी विचार करने की मांग की है। इसके साथ ही तेजस्वी ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने समेत कई मांग भी किए हैं। सोनिया गांधी ने बिहार और केंद्र को बताया बंदी सरकार। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अब विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। इसको लेकर ही सोनिया गांधी ने हाल ही में अपना वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने केंद्र की सरकार और बिहार सरकार को निशाने पर लेते हुए बंदी सरकार करार कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी कहा कि बिहार सरकार अहंकार में डूब चुकी है और अपने रास्ते भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की ना तो करनी अच्छी है और ना ही कथनी। इस सरकार के शासनकाल में मजदूर आज मजबूर है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार और निराश है, अर्थव्यवस्था भी नाजुक स्थिति में जा चुकी है, जिसका असर लोगों के दिनचर्या पर देखने को मिल रहा है। इस सरकार ने समाज के हर वर्ग को अंधकार में खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार के चुनावी रैली में फेंके गए चप्पल। जहां कई लोग अभी भी एक बार फिर से नीतीश सरकार के दावे कर रहे हैं, वहीं चुनावी रैली में नीतीश कुमार के खिलाफ नारों की गूंज सुनाई दे रही है। हाल ही में मुजफ्फरपुर के सकरा में एक चुनावी रैली के दौरान कुछ लोगों ने सीएम नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए और भीड़ में से ही किसी ने नीतीश कुमार की तरफ चप्पल भी उछाली। हालांकि चप्पल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक नहीं पहुंची, मगर चप्पल के फेंकने से अफरा तफरी का माहौल जरूर उत्पन्न हो गया। हालांकि बाद में उदंड चार लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के सकरा में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जैसे ही सीएम मन से उतरकर हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए जाने लगे, तभी चार युवक नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इसके बाद किसी ने सीएम की तरफ चप्पल फेंकी, हालांकि चप्पल सीएम तक नहीं पहुंची, तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने चारों युवक को हिरासत में ले लिया। चिराग पासवान ने जदयू की तरफ से प्रधानमंत्री को मदारी कहने की कही बात। चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार नीतीश सरकार को घेरते नजर आए हैं। वहीं सात निश्चय योजना को लेकर उन्होंने दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की बात को फिर से दोहराया है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने इस दौरान साफ शब्दों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया है, जिसके बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने चिराग पर निशाना साधते हुए कहा कि चिराग जमुरा है जो किसी की धुन पर नाच रहे हैं, जिसके जवाब में चिराग ने कहा कि यदि मैं जमुरा हूं तो मदारी कौन है। उन पर प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया है, तो यह किसका अपमान है। नित्यानंद राय ने बिहार में दो तिहाई के साथ एनडीए सरकार बनने की कही बात। विधानसभा चुनाव की शुरुआत कल से होने वाली है, वहीं चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। साथ ही सभी प्रत्याशी मैदान में उतरने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसी क्रम में चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। इस बाबत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में राजद की सरकार बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एनडीए दो तिहाई के बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है और नीतीश कुमार ही हमारे मंत्री होंगे। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले उन्होंने बिहार में राजद की सरकार आने पर कश्मीर जैसे हालात उत्पन्न होने की बात भी कही थी। जैकलिन फर्नांडिस ने अपने स्टाफ मेंबर को गिफ्ट की कार। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने हाल ही में अपने स्टाफ मेंबर को कार गिफ्ट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है, जिसमें वो स्टाफ को कार की चाबी सौंपती नजर आ रही है। वीडियो में जैकलिन ट्रैफिक पुलिस के कॉस्ट्यूम में नजर आ रही है। उनके हाथ में मिठाई और पूजा के सामानों से सजी एक थाली भी है। स्टाफ मेंबर को कार सौंपने के दौरान बकायदा नारियल भी उन्होंने फोड़ा। एक सोर्स ने बताया है कि दशहरा के शुभ अवसर पर जैकलिन स्टाफ मेंबर को कार गिफ्ट कर सबको चौंका दिया है। जिस मेंबर को कार दिया गया है वो जैकलिन के साथ तब से है जब उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था। आपको बता दें, इससे पहले जैकलिन ने अपने मेकअप आर्टिस्ट को भी एक कार गिफ्ट की थी। वो अपने स्टाफ को हमेशा खुश रखती हैं। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद एक दूसरे के होंगे आमने सामने। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज प्लेऑफ में जगह पक्की करने की पूरी कोशिश में दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। यह मैच सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ताकि दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ हार के बाद दिल्ली को अब अपने अंकों को 16 पर पहुंचाने के लिए 2 अंक की जरूरत है। इससे वो अंक तालिका में भी शीर्ष पर पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद अगर मगर पर टिकी हुई है। डेविड वार्नर की अगुवाई वाली टीम 8 अंक के साथ अंक तालिका पर 7वें स्थान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे न सिर्फ अपने सभी मैच जीतने होंगे, बल्कि बाकी मैचों में भी अनुकूल परिणाम की उम्मीद करनी होगी। दिल्ली के पास बल्लेबाजों की लंबी कतार और मजबूत गेंदबाज भी है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 79 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 36,469 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 79
146,429 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 488 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 119,502 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 72,01,070 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 6,25,857 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की तरफ से किए गए घोषणा पत्र पर विश्वास किया जा सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।